दुर्ग के मोहनगर थाने क्षेत्र में विवाद के बाद हुई मारपीट में युवक की हत्या, जिसके बाद मौके से आरोपी फरार हो गए। दुर्ग मोहनगर थाना क्षेत्र सिकोला भाटा में दीपावली की रात युवकों के ग्रुप में किसी पारिवारिक बात पर हुए विवाद में एक युवक की हत्या का कारण बन गई। बता दें, मृतक का नाम रवि राजपूत है और ये सिकोला भाटा का रहने वाला बताया गया है। दीपावली की रात में मौज मस्ती करने ग्रुप में बैठे आधा दर्जन युवकों के बीच एक दूसरे को चिढ़ाने के साथ पुरानी रंजिश में हुई आपसी विवाद के चलते आयुष यादव और दिलीप साहू ने अपने पास में रखे बटन चाकू से रवि राजपूत पर ताबड़तोड़ वार कर दिया। इसके बाद खून से लथपथ रवि राजपूत को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद एक्शन मोड में आई दुर्ग पुलिस ने मोहन नगर थाना टीम के साथ जांच में जुट कर घटना में शामिल लोगों से पूछताछ की और दो लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। दोनों ने अपराध कबूल कर लिया है, जिसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। इस संबंध में मोहन नगर थाना प्रभारी विजय यादव ने प्रतिक्रिया दी। रात में लगभग 12:30 के आसपास परिजन आए हुए थे कि उनका कहना था कि रवि को मारपीट हुआ है और कुछ बोल नहीं रहा। तो फिर तस्दीक के आधार पर हम जिला अस्पताल पहुंचे थे। वहां जाकर देखे तो फिर रवि उर्फ विष्णु राजपूत को डॉक्टर साहब ने मृत घोषित किया था। और उसके पश्चात फिर पतासाजी में आगे बढ़े तो फिर देखे कि सिकोला बस्ती का एक घटना थी, जिसमें संदेह के आधार पर कुछ लोग लायक थे और पूछताछ के ये जानकारी कि आपसे कुछ इनका रंजिश रहा है, तो एक दूसरे को भड़काने वड़काने के नाम पे फिर लड़ाई झगड़ा हुआ था। चोट उनका जो है वो गंभीर प्रकृति का दिखा था। जो हमने उनका जो शव का जो प्राथमिक दृष्टिकोण से निरीक्षण किया था, बाकी जो पंचनामा के पास भेज दिया गया टीम के बाद में खुला शव जो पूछताछ के लिए तो कुछ 5-7 लोगों को लाए थे, जिसमें 2 लोगों का नाम ज्यादा उसमें घटना में संलिप्त होने की पुष्टि हो रही है। ठीक। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।